तो कहेंगे कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी। फिर एक और जुमला होगा, आईएसआई ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान, मैं हूं मोहम्मद जफीर। 20 साल जंग का खात्मा, अमेरिका को शिकस्त, और इस वक्त अमेरिका की शिकस्त पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही है। पाकिस्तान इस पूरे अमल में किस तरह रेलेवेंट रहा और पाकिस्तान की अहमियत क्यों बढ़ गई खत्ते में, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान चूँकि अमन अमान बहाल करने और हमेशा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, और आज उन कुर्बानियों का सिला इस सूरत में मिला कि अब इस खत्ते में अमन अमान बहाल होने जा रहा है। और अफ़गानिस्तान से चूँकि दोहा एग्रीमेंट के तहत अब अमेरिकन फ़ौजें जा चुकी हैं, नई कैबिनेट का ऐलान हो चुका है, तालिबान ने अफगानिस्तान फतह कर लिया। अफगानिस्तान ये 20 साल जंग, और इससे पहले जब हम सोवियत यूनियन की बात कर रहे हैं, रशिया को यहाँ से कैसे शिकस्त हुई और पाकिस्तान का उस वक्त क्या किरदार था, और मौजूदा हालात में पाकिस्तान का क्या किरदार है, और पूरी दुनिया जिसको जो आज इस पूरे अमल में पाकिस्तान को क्रेडिट दे रही है, चूँकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी अमन बहाल करने के लिए, सबसे ज़्यादा अच्छी कावशें पाकिस्तान की थी, यही वजह है कि आज एक बार फिर मरकज़ बना है पाकिस्तान पूरी दुनिया का। और इस वक्त चूँकि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, और अफगानिस्तान के साथ हमारी तकरीबन 2600 किलोमीटर की सरहद लगती है, हमारा कल्चर एक है, बहुत सारी आबादी जो है वो हमारी केपी की, और जो हमारा नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ की आबादी जो है वो सुबह यहाँ और शाम वहाँ होते हैं, और यही वजह है, कल्चर सेम है हमारा। और उसके अलावा पिछली 3 दहाइयों में तकरीबन 30 लाख अफगान शहरियों को हमने पनाह दी, और अब भी इस वक्त भी जो पाकिस्तान पे प्रेशर है, और पाकिस्तान अफगानियों को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने हमेशा कुर्बानियाँ दी, और इन कुर्बानियों को आज पूरी दुनिया सराहती भी है। और ख़ासतौर पे जब हम इस अमन अमान की बात करते हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की बात करते हैं, तो एक ऐसा नाम अब वो चूँकि दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी एक एक पेशनगोई क्यों कर सच साबित हो रही है, और उन्होंने वक्त से पहले क्या क्या इनकशाफात किए थे, क्या क्या प्रिडिक्शंस की थी, वो आज एक एक करके सही साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को अमेरिका की मदद से ही शिकस्त देंगे, और अमेरिका को शिकस्त हुई। सोवियत यूनियन में अमेरिका की मदद से रशिया को, यानी सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई, और आज पाकिस्तान फिर इस पूरे खित्ते में डोमिनेट कर रहा है। भारत अफगानिस्तान में बैठकर दहशतगर्दी करवाता था, उसका किला कमा हुआ, और अब भारत इस पूरे गेम में जो नया ब्लॉक बनने जा रहा है, उस ब्लॉक में इररेलेवेंट हो गया और माइनस होकर रह गया। अब चूँकि अवामी जमहूरिया चीन, रूस, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस ब्लॉक की बात हो रही है, और इसमें भारत हमें कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। मौजूदा हालात में पाकिस्तान चूँकि कुर्बानियाँ दी, इन कुर्बानियों को कैश कराने का वक्त आ गया। इस वक्त एक जामे हमारी खारजा पॉलिसी बनानी होगी, मरतब करनी होगी हमें, और कौम को बताना होगा कि अफगान वार में हमने क्या खोया, क्या पाया। और आज चूँकि इस वक्त पाकिस्तान की अहमियत है, चीन ये चीज़ समझता है, रशिया ये समझता है, चूँकि ये दोनों ऐसे ममालिक हैं जो अफगानिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्पी ले रहे हैं, और पाकिस्तान को अपनी पोजिशन को कैश कराना है, ये पे बैक हमें कैसे मिलेगा, इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पर साबिक DGISI जनरल हमीद गुल साहब के जो इंकशाफात थे, उनकी ज़िंदगी में उन्होंने क्या क्या बातें की, उन पे भी रोशनी डालेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो उनसे उनको बहुत अच्छे से जानती थी, उनका तजर्बा, उनके साथ रहीं, ज़ाहिर उनकी साहबजादी हैं उज़्मा गुल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अब हम आगाज़ ही इस बात से करेंगे, चूँकि बहुत लंबी दास्तान है, बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान, चूँकि ISI की जो कुर्बानियाँ हैं, ये एक ऐसा इदारा है जो वतन पे इस तरह, यानी सही मानों में जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, जो लड़ते हैं अपने मुल्क के मफादात के लिए। और DG साहब ने जो एक एक बात की वो आज सच साबित हो रही है। मैं आगाज़ यहीं से करूँगा कि अमेरिका को अमेरिका की मदद से शिकस्त देंगे, शिकस्त हो गई, किस तरह देखती हैं इस पूरे अमल को? मैं ये समझती हूँ, सबसे पहले तो शुक्रिया कि बुलाने का मुझे और इस पर बात करने का मौका दे रहे हैं आप। मैं ये समझती हूँ कि ये मोमिन की फरासत होती है, वो अल्लाह के नूर से देखता है। और जनरल साहब ने जो बातें भी की, मेरे वालिद साहब एक बहुत खरे मुसलमान, पक्के मुसलमान थे,
और वो हक बात करने के आदि थे और हमेशा सच कहते थे, किसी भी हालत में उन्होंने हमेशा हक कहा। तो ये उनकी फरासत जो है ये अल्लाह की तरफ से थी, जिस तरीके से उन्होंने कहा वो उनकी एक एक बात पेशेंट गोइयां आज इसलिए सच साबित हो रही है कि वो सच्चे दिल से ये सोचा करते थे और उनको एक वसत नज़र होती है, इंसान को नज़र आता है और वो उसी वसत नज़र से ये देखते रहे कि ये हालात जिस नहज पर जा रहे हैं इनका अंजाम आखिरकार यही होगा। बिल्कुल, उनकी जो पेशन गोइयाँ थी और जिस तरह आप बता रही हैं, और बड़े कॉन्फिडेंट थे वो अपनी ज़िंदगी में भी, और डिसीजन लेते थे उस पर डट के खड़े होते थे, उस लगता था कि जिस तरह एक मर्द मुजाहिद बात करता है इस तरह वो बात करते थे दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के। आज अफगानिस्तान से 20 साल जंग का खात्मा हो चुका है, अमेरिका शिकस्त खुर्दा यहाँ से वापस गया, जो बाइडन के जो आंसू थे यकीनन सुपर पावर की आंखों में आंसू अगर आने हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने इंटरनली अपने दिल से इस हार को मान लिया। किस तरह देखती हैं अब पाकिस्तान को, चूंकि हमने कुर्बानियां दी हैं इस पूरी जंग में, इस पूरे अमल में सबसे ज़्यादा नुकसान भी हमारा हुआ है, इस नुकसान को हम कैसे कैश करवा सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि ये शिकस्त तो एक हुई है कि हमने सुपर पावर को अफगानिस्तान में मुजाहिदीन ने, मतलब मुसलमानों ने कहना चाहिए, मुसलमानों ने, तो ये 1000 साल के बाद अगर आप देखें कि क्रिश्चियंस के खिलाफ या कोई भी एक क्रूसेड थी, क्योंकि जब आपको अगर पता हो कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उसको ये कहा था क्रूसेड है, बाद में कह दिया कि ये मैं इसको सलीबी जंग नहीं कह रहा, मैं तो वापस अल्फाज दे रहा हूँ, मगर जो दिल की बात थी उनकी जबान पर आ गई। 1000 साल के बाद इतनी वाजे फतह हुई है, क्योंकि उससे पहले जो रशिया के खिलाफ किया तो वो कम्युनिज्म के खिलाफ हमने जंग जीती थी, और ये जंग जो है ये क्रूसेड के खिलाफ है, तो ये इतनी बड़ी मेरा ख्याल 14वीं सलीबी जंग है जिसको हम समझें कि ये जीती गई है। तो इसलिए ये सिर्फ शिकस्त अमरीका की नहीं हुई, ये वो तमाम लोग जो जो क्रिश्चियंस नहीं थे मगर क्रूसेडर्स थे, क्योंकि क्रिश्चियंस बिल्कुल और कम्युनिटी होती है और ये और हैं, ये क्रूसेडर्स जो कि मुसलमानों को मारने के लिए निकले थे, ये इनकी आज बुरी तरह से शिकस्त हुई है। और ये अभी ये जंग जारी रहेगी, आप देखिएगा कि ये एक पहलू है कि जिसमें हमने कहा है कि हमने जंग वैसे जीत ली है मगर डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया के जरिए मुख्तलिफ और माशी तरीकों से ये जंग अभी जारी रहेगी, और इस जंग को इंशाल्लाह इसमें भी इनको शिकस्त होगी। अभी जिस तरीके से उन्होंने तमाम उनका जो है गूगल वगैरह पे सारा बंद कर दिया, तमाम मुख्तलिफ अदारे ट्विटर अकाउंट्स उनके बंद कर दिए, ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं कि वो अभी तक वो शिकस्त तस्लीम नहीं करना चाह रहे, और वो किसी सूरत भी वो जैसे जख्मी शेर होता है वो फिर वो पलट पलट कर वार करेंगे, कोशिश करेंगे, और ये बहुत ज़रूरी वक्त है पाकिस्तान के लिए इसको समझने का और अब इन तमाम चीज़ों का रियलाइज करने का कि हम किस नहज पे जा रहे हैं और कि ये किस तरफ बात जाएगी, और उसका सदबाब करने के लिए हमें ज़रूरत इस बात की अमर की है कि हम सबसे पहले अफगानिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत है उसको तस्लीम करें, उसको सपोर्ट करें, क्योंकि ये जब भी आपने देखा है कि अफगानिस्तान में कभी शोरश हुई है या किसी किस्म के मसाइल हुए हैं तो उसका नेचुरल इफेक्ट पाकिस्तान पर भी आया है, हमने खुद भी इससे बहुत ज्यादा सफर किया है, हमारे 80,000 हमने शहदा दिए हैं, बेशक हमारा अफगानों के मुकाबले में तो शहदा की तादाद कम है क्योंकि उनकी तो 17 लाख शहीद हैं, मगर हमारे भी अपने अपने हिस्से की बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और हमारा अब वक्त है कि हम इसको इस तरह कैश कराएं कि हम अमन अपने वतन में लेकर आए, हमारे बॉर्डर्स के ऊपर अमन हो, हमारे पीछे जो हमारी बैक है, हमारी पीछे पीठ के ऊपर ये अफगानिस्तान है, हम इससे मजबूत हों, यहाँ से ट्रेड लिंक्स हमारे बढ़े, हमारे सी पैक को रास्ता मिले, हमें ट्रांजिट ट्रेड के बेनिफिट्स मिले इस वक्त, और फिर सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप ये देखें कि क्वेटा में अगर बर्फबारी होती है तो कराची तक भी ठंडी हवा आती है, या अगर मरी में बर्फबारी होती है तो पिंडी तक ठंडी हवा आती है, तो इसके जो अफादियत है या उसके जो फायदे हैं वो पाकिस्तान को भी मिलेंगे अगर हम वहाँ अमन पाएंगे, बिल्कुल, और हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। मैं इसी से जुड़ा सवाल DGISI फैज हमीद साहब ने जो काबुल विजिट किया, उसको हमारा पड़ोसी मुल्क भारत उसने बड़ा इस पर प्रोपेगेंडा भी किया चीज़ें की, इस दौरे को आप किस तरह देखती हैं, क्योंकि आप भी एक साबिक DG की बेटी हैं, आप समझ सकती हैं इस दौरे की अहमियत को, और चूंकि सबसे बड़ा स्टेक जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि हमारी तकरीबन 2600 किलोमीटर सरहद लगती है, हमारा स्टेक है वहाँ पर, हमारे लोग हैं वहाँ पर, रिश्तेदारियाँ हैं हमारी जो पख्तून बरदरी है उसकी वहाँ पर, इस स्टेक को बचाना है, वहाँ से महाजरीन पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं उनको बचाना है, और जाहिर है एक रीजन जो है वो तरक्की करता है, खाली पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता या इंडिया तरक्की नहीं कर सकता या अफगानिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, पूरे रीजन की बात होती है, तो उसके लिए अमन की कोशिशें सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने की, इस दौरे को आप किस तरह देखती हैं, इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की भारत की तरफ से लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि इससे पहले
CIA के डायरेक्टर भी आ चुके थे, ईरान की इंटेलिजेंस के हेड भी यहाँ आ चुके हैं, रशिया के इंटेलिजेंस के हेड भी आ चुके हैं, तो ये जाहिर है उनका काम है, वो आएंगे। और पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा स्टेक है, इस दौरे को किस तरह देखती हैं आप? ये दौरा बहुत, बल्कि मैं समझती हूँ कि ये जिस तरह CIA के, उसके बाद हमें हमारे उनको जनरल फैज हमीद को फौरन चले जाना चाहिए था, और मेरा ख्याल है वो इसलिए जरा ठहर के गए हैं, जिसमें कतर के भी इंटेलिजेंस चीफ जा चुके हैं, ईरान के भी, जैसे आपने जिक्र किया जी, कि ये इसलिए ठहर के गए कि इस कदर प्रोपेगेंडा का इम्कान था कि उनको अंदाजा था, इस वजह से इतना हुआ। मगर मैं जाती तौर पर समझती हूँ कि इससे भी पहले करने की जरूरत थी, और बिल्कुल सही किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया उनका दौरा वहां रहे, उनको यकीन दहानियां भी कराई होंगी कि हमारी तरफ से आपको कोई हर किस्म का तावन मिलेगा, और उनसे भी यकीन दहानियां ली गई होंगी कि उनके इलाके से कोई पाकिस्तान के अंदर शोरिश नहीं की जाएगी, कोई आजादी की तहरीकें जो आपको पता ही है जिस तरीके से ये करते हैं, और साजिशें होंगी, दाइश का अमल दखल। और देखिए हमने बाड़ लगाई है, 2640 किलोमीटर का हमारा ये लेंथ है, इसको, इसके ऊपर बाड़ लगवाई गई है सिर्फ इसलिए कि हमें अफगानों से खौफ नहीं है, मगर जो इस किस्म के जासूस, और जिस तरीके से हिंदुस्तान ने इतना ज्यादा वहाँ इन्वेस्ट किया था, अपनी रॉक की इंटेलिजेंस यूनिट्स लगाई हुई थी, और 14 तो इंटेलिजेंस काउंसिल खाने बना के वहां से टेररिज्म करा रहे थे पाकिस्तान के अंदर, तो ये सारा कुछ करने के लिए केक बहुत हमारे लिए जरूरी था। और ये बिल्कुल हिंदुस्तान बिल्कुल अजीबोगरीब बात कर रहा है और प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिसका कोई मकसद ही नहीं है कि हमारे नेबर है, हम क्यों ना जाएं, और हमारा हक बनता है, बल्कि हमें तो सबसे पहले जाने का हक बनता था। अगर हम इतना ठहर के भी गए तो इसका यही मतलब है कि हम नहीं चाहते कि किसी किस्म का नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो, बिल्कुल। उसके बावजूद पाकिस्तान तो बाज नहीं आया अपना, और उनको मुंह की खानी पड़ गई, क्योंकि वो उन्होंने इतना ज्यादा वहां जितनी भी इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान ने की है, वो बेसिकली अगर आप देखें तो काबुल में कोई सड़कें नहीं बनी हुई, काबुल अभी भी टूटा हुआ है, इतना मेन शहर इसके, और उनका कैपिटल, इसके अलावा बाकी तमाम भी इलाकों में, तो हिंदुस्तान ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है वो तो पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो दहशतगर्दी करवाते थे वहाँ बैठ के, वहाँ से पूरे, जिस तरह आपने बताया 14 काउंसिल खाने, और वो जाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करवाते थे। अब चूंकि यकीन दहानी कराई है तालिबान हुकूमत ने, उनकी कैबिनेट भी बन चुकी है, वो ये कह रहे हैं कि अब किसी भी मुल्क के खिलाफ हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, और ख़ासतौर पर जो उन्होंने ये कहा कि दुनिया भर में जहाँ पर भी मुसलमान हैं, अगर मुसलमानों के साथ ज्यादती होगी तो हम उनके लिए आवाज उठाएं, कि इस पे भी भारत ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया। अब एक सवाल और, फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अब आप क्या समझती हैं, जिस तरह आपने कहा कि डीजी साहब को बहुत ही पहले चले जाना चाहिए था, लेकिन ज़रा वहां के हालात देख के जो एजेंसीज के अपने फैसले होते हैं, हुकूमत साजी, आज हमारी हुकूमत यह कह रही है कि हम माहौल देख के जल्दबाजी नहीं करेंगे उनको कबूल करने में, आपको क्या लगता है पाकिस्तान को फौरी तौर पे तालिबान की हुकूमत को कबूल कर लेना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, उसकी वजह यह है कि जब हमने तालिबान की हुकूमत आज से 20 साल पहले जब मौजूद थी, तो उसको भी सबसे पहले हमने रिकॉग्नाइज किया था, और जब इंडिया अमेरिका इसमें दाखिल हुआ और उन्होंने कब्जा किया उनके ऊपर, तो उनकी जायज हुकूमत, तस्लीम शुदा हुकूमत को उन्होंने खत्म किया, तो लिहाजा आज भी यही मुनासिब लगता है, हमारे नेबर है, हमारे भाई हैं, हमारे साथ जिस तरह आपने पहले जिक्र किया कि हमारी रिश्तेदारियां हैं, हमारे ताल्लुक हैं, और हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारा हक बनता है कि हम सबसे पहले करें कि ये झंडा, ये सुरखाब का पर हमें अपने सर पे लगाना चाहिए, क्योंकि ये हक भी हमारा बनता है, और वैसे भी अगर कोई और मुल्क तस्लीम कर लेगा तो ये, मेरा तो ख्याल है ये हमारे लिए सुक्की का बायस होगा, क्योंकि हमने कुर्बानियां दी हैं, हमारा ये हक सबसे पहले इस तस्लीम करना है। जब हमने, आप देखिए अफगान हुकूमत की मौजूदगी में हमने मामला तय करा के दोहा में मुज़ाकरात करवाए और अमेरिका और इनकी डील करा के दी, तो अब हम क्यों लोगों से घबरा रहे हैं या राय अमा के खिलाफ जाके देख रहे हैं कि दुनिया करेगी तो हम उनको फॉलो करेंगे, जब सारी दुनिया की एम्बेसियां वहाँ मौजूद काम कर रही हैं, मां सिवाय इंडिया के और एक दो और के, तो हमें क्यों नहीं मौका कि हम इस वक्त उनको तस्लीम पहले करें, ताकि ये कल को उनके पास भी हमारा, हम सुरखुरू हों कि हम देखें हमने आखिर तक आपका साथ निभाया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूंकि अमेरिका यहाँ से चला गया, उसका जो असर सूख है, जिस तरह आपने पहले भी बात की, गूगल हो गया या जो आईटी का डिपार्टमेंट हो गया, जो इस तरह की चीज़ें हैं वो तंग करेंगे, ज़ाहिर इतनी जल्दी तालिबान की हुकूमत को वो चलने नहीं देंगे, उन्होंने अपने अकाउंट्स भी मुंतमद कर दिए, रीज़न उसकी सिर्फ यही थी कि किसी तरह तालिबान को हमारी किसी भी चीज़ से फ़ायदा ना पहुँचे। हमने देखा माजी में भी कि जनूबी एशिया में कॉलोनीज़म के जो साम्राज्य असरात हैं वो बड़े गहरे होते हैं, उस उन चीज़ों से निकलने के लिए आप क्या समझती हैं, हमें क्या ऐसी पॉलिसी अपनानी चाहिए ताकि उनके असर रसूख से बाहर आ जाए, तालिबान बेसिक अमेरिकन चले जाते हैं लेकिन हम असर रसूख उनका लेते हैं, ब्रिटिश यहाँ से चले गए लेकिन आज भी हम ब्रिटिश की सोच से ये पूरा खत्ता, पूरे एशिया की अगर हम बात करें तो बाहर नहीं निकल पाए, कैसे हो कि हम इन असर रसूख से बाहर आए?
ये बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं, मगर आप थोड़ा सा इसको हम अगर हम इसको जरा दूसरी तरीके से इसको तशरीह करें, जी वो ये कि ये जाते हुए ये नहीं चाहते कि इनके मामला इनकी चीजों से हमें फायदा ना हो, क्योंकि देखिए उसमें तो इनका बिजनेस ट्रेड है और उसको बेनिफिट मिलता है, उसमें इनको फायदे मिलते हैं, उनका कमीशन मिलेगा या जो भी उनका चार्जेस होंगे वो उनके उसके एडवर्टीजमेंट होगी उसका मिलेगा। नहीं, ये चाहते हैं हमें नुकसान हो। जब ये शिकस्त खा के जा रहे होते हैं तब भी ये राजी नहीं होते, ये कोई ऐसी बीच में जिसको कहते हैं कि एक टांग अड़ा के जाते हैं, रोड़े अटका के जाते हैं, जिससे कि ताकि मामला खराब करें। जैसे कि आप पाकिस्तान के हवाले से देखें कि जब इन्होंने सब बड़े सगीर में इसको तकसीम किया हिंद का, तो पाकिस्तान को ना हमें कोई स्टेट बैंक के अंदर पैसे दिए, हमारे मामला बिल्कुल ऐसे छोड़ दिए, और एक बहुत बड़ा लुत्फ तल के बीच में गए और वो था कश्मीर का मसला, हमारे लिए कश्मीर भी छोड़ गए, क्योंकि आज तक कश्मीर का मसला ये उन्होंने करके हमारे लिए ऐसा कहानी बंद की है कि अभी तक हम इसको सुलझा नहीं सक रहे, ये हमारे से उलझा गए हमारे मामला। ये अभी भी हिंदू महा तालिबान के साथ भी ये करना चाह रहे हैं और उसकी वजह से हमें भी दबा रहे हैं। हमारी हुकूमतें घबरा रही हैं कि इस वक्त कोई स्टैंड नहीं ले रही है, हालांकि अगर आगे बढ़ के कोई स्टैंड ले, और जो आपने कहा इसका हल क्या होना चाहिए, हल बहुत आसान है, हमारे पास चाइना है जो इस वक्त हर तरह से सपोर्ट करने पर तैयार है, उनके पास GPRS का मुतबादल है, उनके पास तमाम सोशल नेटवर्किंग का, इंटरनेट का, हर चीज़ का मुतबादल मौजूद है, और चूंकि चाइनीज जबान में है तो हमें ज़रा दिक्कत तो आएगी अफगान को भी और पाकिस्तान को भी कि इनको दिक्कत आएगी अगर हमने इनके ऊपर ट्रांसफ़र किया, तो बहुत आसान है कि इनको का मौका दे दिया जाए कि अभी आप साथ बिल्कुल उज़मा साहब इसमें कोई शक नहीं है। आज ही रशिया ने भी कहा है और अमेरिका ने भी, रशिया अमेरिका ईरान, रशिया चाइना और ईरान और पाकिस्तान, ये चारों मिलकर इसका मुतबादल ढूंढ रहे हैं कि किस तरह हम अफगान हुकूमत को यानी तालिबान हुकूमत को किस तरह सपोर्ट कर सकें, और चूंकि इस वक्त उनको नीड है और वो वहाँ पर अमन अमान तो बहाल करना है, साथ ही साथ उनको माली तौर पे सपोर्ट करनी है, इसका मुतबादल ढूंढा जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा, यहाँ वक्त हुआ है कि ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम खास तौर पे कश्मीर के हवाले से भी बात करेंगे और उज़्मा गुल साहिबा से पूछेंगे कि कश्मीर के हवाले से वो क्या स्टांस रखती हैं और क्या वक्त आ गया है कि कश्मीर के लिए भी आवाज़ उठाई जाए, और एक इस वक्त जो हमारी सिविल सोसाइटी है ख़ासतौर पर वो ये सोच रही है और कहें हुकूमती हलकों में भी और हमारी एजेंसीज भी इस चीज़ पे गौर कर रही हैं कि क्या अगला हदफ श्रीनगर लाल चौक होगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।